हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, सैमसंग का जो अनपैक्ड इवेंट है उसकी डेट कंफर्म हो चुकी है, आ चुकी है। अभी लीक्स में ही ऐसा आ रहा था कि जो है 17 जनवरी को इनका इवेंट होने वाला है और यहाँ पर एप्पल ने अपना सैमसंग ने अपना पोस्ट भी डाल दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो इवेंट है फाइनली 17 जनवरी को जो है वो होने वाला है और यहाँ पर आप लोगों को, हम लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी फीचर्स जो है देखने को मिलने वाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज़ में गैलेक्सी AI इज़ कमिंग, यहाँ पर इनका टीज़र है गैलेक्सी AI इज़ कमिंग। और कल की भी वीडियो मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में जितने भी iOS के अपडेट्स हैं, जो भी UI के अपडेट्स होंगे, एंड्रॉयड के अपडेट्स होंगे, AI का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो नेक्स्ट लेवल की जो है अपना मोबाइल की जो चीज़ें हैं वो बनने वाली हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी क्या ला सकता है इस बार जो है अपने इवेंट में। वैसे इनका इवेंट शायद फरवरी में होता था, इस बार थोड़ा सा पहले हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। हमें सही लग रहा है कि नए साल में ये नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज़ एक काफ़ी अपने आप में एक सक्सेसफुल सीरीज़ रही थी, हमें सारे फ़ोन बहुत पसंद आए थे। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो था उसने आईफोन 15 प्रो मैक्स को काफ़ी हद तक जो है बीट किया था बहुत सारे मामलों में, तो एक अच्छा जो है फ़ोन बन गया था और काफ़ी सक्सेस भी फ़ोन रहा है। सो लोग वेट कर रहे थे सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को। अभी तक मैंने S23 सीरीज़ का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया था सैमसंग का, तो अभी मैं आप लोगों के लिए जो है एक प्रोडक्ट जो है सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज़ से लेने वाला हूँ। कौन सा लूँगा अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, जैसे ही प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे ही ये फ़ोन्स आते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस या फिर 24 अल्ट्रा, कोई इनमें से एक फ़ोन लेने वाला हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि तुम सिर्फ आईफोन पर ही वीडियो बनाते हो, तो अभी सैमसंग का भी एक फ़ोन लूँगा क्योंकि अभी मैंने खर्चा किया है जो है 70,000 रुपये अपने इस आईफोन 15 पर, तो मैं एक जो है 70-80 हज़ार का सैमसंग का भी लूँगा ताकि इससे जो है कंपेयर करूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज़ में क्या कुछ हमें नया देखने को मिल सकता है, तो सबसे पहली बात हमें नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि क्वालकम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है गाइज। यहाँ पर वो हमें नया प्रोसेसर मिल जाएगा और अगर तीनों ही फ़ोन्स में मिलता है S24 प्लस और 24 अल्ट्रा में तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। एप्पल की तरह ना करे तो ही ज़्यादा बेटर है कि मतलब रेगुलर मॉडल्स में पुराना वाला चिपसेट दे दिया और जो इनके प्रो मॉडल्स हैं उसमें नया चिपसेट दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर मज़ा नहीं आएगा गाइज। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मतलब और क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर AI जो है इस कमिंग इनका जो है टीज़र में लिखा हुआ है, तो हम ये लोग जो है बता सकते हैं, ये लोग मतलब हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा रहने वाला है, जो इनका अल्ट्रा होगा, उसमें AI के बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, हम लोगों के जो काम है वो बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें लगता है हेल्प जो है मतलब फ़ोन से मिलने वाले जो भी काम है वो और इजी होने वाले हैं। जो भी हम लोग टास्क करते हैं अपने फ़ोन में, सो वो बहुत कुछ ईजी होने वाला है ऐसा मुझे लगता है। और AI के साथ जब फ़ोन में मतलब धीरे धीरे अपग्रेड होते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे, तो और इम्प्रूवमेंट्स जो है वो हमें देखने को जो है मिलेंगे। सो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज़ का वेट कर रहे थे तो फाइनली वेट जो है एक तरीके से खत्म हो गया है। 17 तारीख को इवेंट है और फोन हमें जो है मिलने शुरू हो जाएंगे फरवरी के फर्स्ट वीक में, आराम से जो है अवेलेबल स्टोर पे जो है हो जाएंगे। तो आप लोग पैसा इकट्ठा कीजिए इस पे खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, जो भी आप सोचते हो तो पैसा इकट्ठा कीजिए। और सैमसंग गैलेक्सी S24 जो है फाइनली जो है आने वाला, देखते हैं कैसा क्या फ़ोन रहता है। और काफ़ी लीक्स ये भी निकल के आ रहे थे कि टाइटेनियम का जो है बॉडी रहने वाला, जैसे आईफोन 15 प्रो सीरीज़ में था, अगर वैसा कुछ होता है तो काफ़ी मज़ा होने वाला है। और काफ़ी चीज़ें जो है शायद इस बार सैमसंग भी चेंज करेगा अपने S24 सीरीज़ में। आप क्या कहते हैं गाइस इस बारे में, मुझे नीचे कॉमेंट्स में लेकर बताइए। अगर बात करें गाइस प्राइसिंग की क्या रहने वाली है, तो प्राइस मेरे हिसाब से सब सेम टू सेम रहेगी। 80,000 में जो है सैमसंग गैलेक्सी S24, 90,000 में 20 प्लस, और वही 1,35,000 सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। यही मुझे लगता है जो कि आईफोन का जो है प्राइस रहता है, जैसे कि आईफोन 15 आया था 80,000 में, 15 प्लस आया था 90,000 में, 15 प्रो आया था 1,35,000 में, 15 प्रो मैक्स आया था 1,60,000 में। तो यही प्राइसिंग जो है अभी सैमसंग भी कॉपी कर रहा है काफ़ी टाइम से। तो इनके फ़ोन्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बट अगर हम कंपेयर करेंगे आईफोन 15 सीरीज से, देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। सब कुछ अच्छा हो तो बेटर है। और आप किस जो है सैमसंग सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पहली बार सैमसंग का कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। सो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि मुझे कौन सा जो है सैमसंग का फ़ोन लेना चाहिए, जिस पर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अटेंशन जो है देना चाहेंगे।
करेंगे, सैमसंग गैलेक्सी S24 या फिर प्लस या फिर अल्ट्रा। मुझे जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं वही फ़ोन लेने की जो है पूरी पूरी कोशिश करूँगा, चाहे जितना महंगा हो। सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन रखना, और कोशिश करूँगा जो है इस मंथ के एंड तक जल्दी से जल्दी 40,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाए। सो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। अब मैं मिलूंगा गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।